ब्रदर्स के ठिकानों पर ईडी की रेड। महादेव ऐप से कमाए पैसों के हवाले के जरिए करते थे हेराफेरी। धीरज आहूजा करता था सौरभ चंद्राकर के इवेंट की ट्रेवलिंग की बुकिंग। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है सौरभ, दुबई से बैठकर ऐप चलाता था चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर की शादी में 200 करोड़ रुपए हुए थे खर्च। शादी में कई सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे। ईडी की बड़ी कार्रवाई देश भर में देखने को मिली है, तो साथ ही साथ भोपाल में भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। जहां ईडी की कार्रवाई हुई थी उस जगह पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। रैपिड ट्रेवल्स जो इस वक्त हम देख सकते हैं बंद पड़ी हुई है ये दुकान, ईडी ने इसी जगह पर रेड की थी। बताना चाहूंगा ये जो रैपिड ट्रेवल्स है इसके संचालक आहूजा ब्रदर्स है, एक का नाम धीरज आहूजा तो दूसरे का नाम विशाल आहूजा बताया जा रहा है। आरोप ये है कि महादेव ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एक सट्टा ऐप है उसके हवाले के पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप आहूजा ब्रदर्स पर लगाया गया है। पूरी जानकारी बताई जा रही है कि जो महादेव सट्टा ऐप है इसका जो संचालक है उसका नाम सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल है। सौरभ चंद्राकर की कुछ समय पहले यूएई में शादी हुई थी और उस शादी में कई सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। उस पूरे खर्चे को, उस पूरे ट्रेवल एक्सपेंस को गैर कानूनी तरीके से दिखाते हुए तमाम जो थी वो अवैध तरीके से बुक कराई गई थी और इसी मामले की जो जांच है वो ईडी कर रहा था। कई सारी अनियमितताएं, कई सारी आर्थिक अनियमितताओं की जानकारी ईडी को मिली। जब महादेव एप्लीकेशन के तमाम अकाउंट्स को खंगाला गया तो कई सारी अनियमितताएं सामने आई। इनके जो सौरभ जो इसका मुख्य संचालक है, जो यूएई से इस पूरे एप्लीकेशन का संचालन करता है, उसके साथ के लोगों पर, उनसे जुड़े हुए लोगों पर जब रेड की गई 417 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। तो भोपाल में इस जगह पर छापेमारी की गई थी, जब से यहाँ पे रेड की गई है तब से ये दुकान भी बंद है। आहूजा ब्रदर्स से हमने भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कई तरह के दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।